ऐतिहासिक तथ्य जो है वो भी ये बयां करते हैं कि राव शेखा जी का जन्म शेख पुराण चिश्ती प्रसन्न होकर के राव मुकुल जी को आशीर्वाद दिया था। लेकिन उसके बाद जो किंवदंतियां फैलाई गई कि साहब उन पीर के आशीर्वाद से ही राव शेखा जी पैदा हुए, उनके आशीर्वाद से राव शेखा जी का जन्म नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज जो सुनते हैं आप, ये सही मायने में महाराव शेखा जी ने 600 साल पहले स्थापित किया था। और हम क्या कर रहे हैं, हाल ही में एक नया मामला देखने को मिला है कि मिहिर भोज जो है, महाराजा मिहिर भोज, वो साहब कोई कह रहा है गुजर थे, कोई कह रहा है राजपूत थे, क्या फ़र्क पड़ता है। राजपूत उसको बोलते हैं रज, जो मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दे, जो समाज की रक्षा के लिए, जो धर्म की रक्षा के लिए लड़े, वो राजपूत। इस संतान को लेकर के वो एक इस युग का, जैसे एक जमाने में एक प्रचलन था, हमारी परिपीढ़ियों में चला आ रहा है, साधु संतों के पास जाया करते थे, वो त्रिवेणी धाम गए अपनी दोनों रानियों के साथ लेकर गए। ये वो प्रसिद्ध खोजी पीठ त्रिवेणी धाम है जहाँ पे राव मोकल जी, जिन्होंने यहाँ आके यहाँ के जो महाराज जी थे उनकी सेवा की। जब वहाँ संतों की सेवा करते थे, पूजा पाठ करते थे, तब वहाँ के महंत जी ने उन्हें मोकल जी से पूछा कि आपके अंदर ऐसी क्या पीड़ा है जो आप सामने दिखाना नहीं चाहते पर चेहरे पे आती है। तब मोकल जी महाराज ने कहा कि मेरे संतान नहीं है, इसकी मेरे पीड़ा रहती है। और उनकी सेवा के कारण उन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि आप माधवाचार्य जी जो हैं बहुत बड़े आचार्य हैं, आप जाओ, आपके संतान होगी। तो उन वो अपने दोनों रानियों के साथ लेकर के और वो माधवाचार्य जी के पास गए। माधवाचार्य जी उस जमाने के बहुत बड़े संतों में आते थे और गौ सेवक थे। राव मोकल जी वृंदावन पहुंच गए और माधवानंद जी आचार्य जी से मिले, तो आचार्य जी ने उनको कहा कि आप गौ सेवा करो, और उन्होंने किसी को बगैर बताए, किसी के बगैर कोई बात किए, 4-5 साल तक वहां गौ सेवा करनी शुरू कर दी उन्होंने और वहां रहना शुरू कर। माधवाचार्य जी मोकल जी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। राव मोकल जी को माधवाचार्य जी ने खुश होके एक चांदी की गोपीनाथ जी की मूर्ति दी, उनको आदेश दिया कि आप इस मूर्ति से आप उपासना करेंगे और साथ ही गायों की सेवा करेंगे। आपको तपस्वी, तेजस्वी और महान योद्धा आपके पैदा होगा, जैसे आपके पूर्वज राजा रामचंद्र जी पैदा हुए थे उसी तरह से आपके तेजस्वी पुत्र पैदा होगा। माधवाचार्य जी से भेंट के बाद उन्होंने गोसेवा का व्रत धारण किया संतानोत्पत्ति के लिए। ये महाभारत काल से लेके आज तक ये बहुत ही पुरातन स्थल है, बहुत ही मान्यता प्राप्त है, बहुत ही जागृत भूमि है और यहाँ निरंतर सेवा के लिए देश विदेश से लोग जो हैं दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। ये सब उपाय सुनकर और राव मोकल जी है वो अपने यहाँ आ गए और आने के बाद में उन्होंने यहाँ आके गो सेवा आरंभ कर दी। और वो एक राजा होने के बाद भी, एक ठिकानेदार होने के बावजूद भी, वो ग्वाल रूप धारण करके गायों की सेवा करते रहे। चारों तरफ से घिरे हुए इस अरावली के क्षेत्र में पूरा जंगल था, ये आप देख रहे हैं, ये सारी पहाड़ियाँ चारों तरफ से। राव मोकल जी ने, ये उनका क्षेत्र आता था, उन्होंने इसी क्षेत्र में जो है
गायें चराने का काम शुरू कर दिया। नान अमृतसर के सुरम्य क्षेत्र में उन्होंने अपनी गायें और घोड़े साथ ही चरने के लिए छोड़ते और गायों और घोड़ों के टोले के साथ स्वयं भी वहाँ जाते। पहले उन्होंने 5-7 गायों की सेवा की और उसके बाद धीरे धीरे करते उनके पास पे 2000 गायों का ग्वाल हो गया और वे ग्वाले के रूप में उन गायों की सेवा करते रहे। उनका राज्य की तरफ से थोड़ा ध्यान हट करके गायों पर ज़्यादा केंद्रित रहने लग गया। राज्य की तरफ भी ध्यान रखते पर कम देर टाइम दे पाते और गौ सेवाओं में ज़्यादा टाइम दे पाते। और आप ये देखिए कि ये जो भी शेखावतों के वंशज हैं वो जय गोपीनाथ जी की इसीलिए बोलते हैं कि वो जो माधवाचार्य जी ने उनको जो गोपीनाथ जी का वो मूर्ति दी थी वो पगड़ी में बांध के रखते और दिन भर गायों की सेवा करते। साफा होता है जो शेखावतों का, उसके अंदर गोपीनाथ जी की जो मूर्ति दी थी आचार्य जी ने, उसको साफा के अंदर लगा करके वो रखते थे। तो इसी के बाद में सब गोपीनाथ जी की कहने लग गए। हालांकि रघुवंश के लोग हैं, आज पहले भी रघुनाथ जी की कहते हैं और आज भी रघुनाथ जी की करते हैं, पर शेखावतों के वंशज हैं वो माधवाचार्य जी के, जो उन्होंने जो निर्देश दिया, उन्होंने जो एक तरह से उनको मोकल जी को जो आदेश दिया कि गोपीनाथ जी की आप सेवा करें तो निश्चित रूप से आपके पुत्र रत्न होगा और प्रतापी पुत्र होगा। तो इसीलिए सब जय गोपीनाथ जी के करते हैं। आप जितना भी शेखावटी का एरिया है उस पर आप देखेंगे तो अधिकांश सभी लोग जय गोपीनाथ जी की से अभिवादन करते हैं। जब वो वापस से यहाँ पर आए तो उनके पास में पहले से ही अश्वशाला थी, वो नित्य प्रति अपने घोड़े पर सवार होकर और गायें चराने जाया करते थे। गोपालन जो था वो राव बालाजी और राव मोकर जी का मुख्य धंधा था। उनके पास लगभग 2000 गायें थी और ये भरा पूरा मैदान था जिन पे उनको चराने का कार्य करते थे, घोड़ों को चराने का कार्य करते थे। उस समय ये बहुत बड़ा जंगल था, गायें जो हैं गौ सेवा के लिए मोकर जी ने संकल्प लिया था तो उस लिहाज से बहुत सारी गायें हो गई थी। तो यहाँ तक सुनने में आया है कि जो बछड़े थे वो हष्ट पुष्ट पैदा होने चाहिए, इसलिए गायों का दूध जो है क्रय विक्रय नहीं किया जाता था, बल्कि गायों का दूध उन घोड़ों के बछेरों को पिला दिया जाता था जिससे वो और हष्ट पुष्ट पैदा हो। और यही वजह थी कि बरवाड़ा के बछेरों का, बरवाड़ा के घोड़ों की मांग जो है उनके बारे में चर्चा जो है वो पूरे राजपुताना में थी। और ये जो सामने टीला दिख रहा है आपको, आपको मैं दिखाता हूँ, इस टीले के उस पार पूरा रेगिस्तान है, लगभग पहाड़ों के बीच में रेतीला मैदान है। तो एक दिन जब वो दोपहर में बहुत ही तपती हुई गर्मी थी बहुत, और गायें चरा रहे थे, उसी दौरान राव मोकर जी की मुलाकात, उनको ककेड़े के नीचे बैठा, उनको जेठ का महीना था तब उनको मिला, जिसका नाम था बुरहानुद्दीन शेख चिश्ती। अब ये कितना दुर्गम रास्ता है, मतलब चारों तरफ पहाड़ हैं, घाटियां हैं, फिर एक तरफ रेतीले मैदान हैं, टीले हैं। सारे दिन भर राव मोकल जी जो है यहाँ गायें चराते थे। अब देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना मुश्किल है, फिर भी जो शेख बुरहान चिश्ती का टीला बना हुआ है, तकिया बना हुआ जिसको बोलते हैं शेख चीला आज की डेट में, वहाँ पे कई जो राव मोकल जी के वंशज हैं और उनके पठान वंशज हैं वो वहाँ पे ज़ियारत करने को आते हैं। ये क्षेत्र पहले बिल्कुल रेगिस्तान था, बिल्कुल टीले ही टीले थे, आज घनघोर जंगल है चारों तरफ, हैं अभी भी टीले ही। राव मोकल जी जब यहाँ पहुँचे तो उनकी मुलाकात शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती से हुई जिनकी ये दरगाह बनी हुई है आज। शेख बुरहान के बारे में विशेष तौर से मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जून का महीना था, वो ककेड़ी के नीचे बैठे हुए थे, उस वक्त उनकी मुलाकात मोकल जी से होती है। मोकल जी घोड़े पर सवार थे, गर्मियों के दिन थे, दोनों को बड़ा अचंभा हुआ, एक फकीर यहाँ पर क्या कर रहा है, और उनको ये अचंभा हुआ कि एक राजा यहाँ पर गाय क्यों चरा रहा है। शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती यहाँ पे ठहरे हुए थे
इस पेड़ के नीचे और प्यास से बड़े व्याकुल थे, तो राव मोकल जी ने उनको अपनी काठी से निकाल के और पानी पिलाया। पानी पिला के उनको तृप्ति हुई तो उन्होंने खिन्न सा देख करके कहा, राजन चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देती है और आप इतने बड़े राज के धनी होकर गायें कैसे चरा रहे हैं? तो राव मोकल जी ने उनको बताया कि मैं इसी तरीके से बरवाड़ा रियासत का राजा हूँ, मेरे अभी तक संतान नहीं है और संतान उत्पत्ति के निमित्त गोसेवा का व्रत मैंने धारण किया है, इसलिए गोया चराता हूँ और भगवान गोपीनाथ का स्मरण करता हूँ। दोनों के परस्पर बातों से शेख पुराण को पता लगा कि हाँ इनको संतान की आवश्यकता है, तो शेख पुराण चिश्ती ने उनसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन प्राप्त हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से भोजन प्राप्त हो सकता है, आप मेरे महलों में चलें, वहाँ भोजन कराऊंगा। बोले तो राजन भोजन तो अभी भूख लगी है, यहीं मिले जब है तो अभी तो बोले यहाँ तो गायों के भी बछड़े छोड़ दिए, अभी भोजन कैसे मिलेगा? बोले तो राजन आपकी इच्छा हो और आप भोजन कराना चाहें तो भोजन तो यहाँ है। तो उन्होंने कहा बाबा कैसे आप बताओ। तो उन्होंने एक बिन ब्याई बछड़ी जो है उसके लिए कहा कि इसके जाकर दूध, इसका दूध ला करके पिला दो। तो वो झारी लेकर के वहां गए तो उसने बिन ब्याई बछड़ी ने झारी में दूध दे दिया। उस चमत्कार से राव मुकुल जी बहुत प्रभावित हुए, उनकी सच्ची बातों से, उनकी सादगी से और उनके सेवा भाव से शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती जो है वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि बच्चे तेरे संतान जरूर होगी और होने वाली संतान सम्राट पैदा होगी। तो वहाँ अड़की में उन्होंने एक मठ का तकिया का निर्माण करवाया जहाँ शेख बुरहान चिश्ती रहे। वहाँ आज की तारीख में 2 दीवारें बने हुए हैं, बाउंड्री बनी हुई है और एक इमली का और एक पीपल का बड़े पेड़ भी खड़े हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि राव शेखा जी के जन्म के संबंध में जो धार्मिक आस्था या लौकिक आस्था या ऐतिहासिक तथ्य जो है वो भी ये बयां करते हैं कि राव शेखा जी का जन्म चैतन्य महाप्रभु के शिष्य माध्वाचार्य जी के गोसेवा के व्रत धारण करने के मोकल जी को दिए गए आशीर्वाद अर्थात गोसेवा एवं शेख पुराण चिश्ती जिन्होंने भी प्रसन्न होकर के राव मोकल जी को आशीर्वाद दिया था कि अल्लाह ताला चाहेगा या अल्लाह ताला की कृपा से आपको श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी और वो न केवल एक अच्छा शासक ही होगा, उनकी ख्याति और प्रसिद्धि ऐसे व्यक्ति के रूप में होगी जो प्रजाजन के हित में कार्य करने वाला महान व्यक्तित्व होगा। इस तरह का आशीर्वाद राव शेखा जी को जन्म से पूर्व ही भगवान कृष्ण के भक्त और अल्लाह के प्यारे सूफी संत दोनों से प्राप्त हुए। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि उन्होंने कहा था कि जब पुत्र पैदा हो जाए तो आप जो है बैल के खून से उसे नहलाना। गजा तेरे 9 महीने लड़का होएगा, उन्होंने वरदान दे दिया, लेकिन लड़के को गाय के आंकिल में नहलाना, खून के आंकिल में थोड़ा इसको छींटे डाल के और ले आना, फिर सेका जी हो जाएंगे। मुझे ये बात प्रासंगिक लगती नहीं है क्योंकि एक गो सेवक जिन्होंने गो सेवा का संकल्प लिया हो वो ऐसा कुछ करेंगे। कर्नल नाथू सिंह जी का इसके बारे में मत अलग है।
देखिए, एक बड़ी विचित्र बात यहाँ पर सामने आती है और इस बात को लोगों ने एक जैसा सुना वैसे उसको आगे बढ़ाते गए। जून के महीने में वो मिलते हैं और सितंबर में महाराज शेखा जी का जन्म होता है। क्या 3 महीने में बच्चा पैदा हो गया? और जितने इतिहासकार हैं उन्होंने ना कोई अनुसंधान किया है ना कोई और अपना आगे कोई खोज की है, जैसे सुना वैसा उनको लिखते गए। ये कोई इतिहास की बात नहीं होती है, कोई एक 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 देखा जाए तो एक बड़ा अचंभा सा लगता है कि इस विषय में एक कैसे लोगों ने इस बात को मान लिया और समाज ने भी मान लिया, और मैं तो कहता हूँ स्वयं शेखावतों ने मान लिया और दूसरे जो समाज के लोग थे उन्होंने भी इस बात को मान लिया। इस बात को कभी ध्यान दिया ही नहीं कि किस प्रकार से एक भ्रांति को सत्य बार बार रिपीट करने से वो एक सत्य बन गया, बट ये एक महाझूठ है। उनके आशीर्वाद से महाराज शेखा जी का जन्म नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वास्तव में एक आशीर्वाद उनको जो था वो एक माधवाचार्य जी का था, जिनके से महाराज शेखा जी एक अवतरित हुए हैं। अभी आपने इस एपिसोड में देखा कि कैसे जो है राव मोकल जी ने एक साधारण फकीर को इतना महत्व दिया। अगर हम बहुत गहराई से इन बातों को देखें, आज भी मतलब शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती जो हैं या शेख मईनुद्दीन चिश्ती हैं, उनकी दरगाहों पे लोग जाते हैं, सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं, बट आप गहराई में जा के देखेंगे तो शेख मईनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में जिनकी दरगाह है और शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती, ये जो दो लोग हैं ये इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए आए थे यहाँ। जब अरब के लोगों ने ये देखा कि हिंद को आज भी अरबिस्तान के लोगों का ये और टेररिस्टों का ये मुख्य ध्येय है गजवाए हिंद करके, कि हिंदुस्तान को कैसे कैप्चर किया जाए, हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे स्थापित किया जाए, हजारों सालों से, लगभग 1000 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। और तब उन्होंने देखा कि युद्ध करके हिंदुस्तान को नहीं जीता जा सकता, वहां पे इस्लाम को स्थापित नहीं किया जा सकता, तो दूसरा रास्ता क्या? तो हिंदुस्तान में लोगों को धर्म में बहुत आस्था है, वो साधु संतों की फकीरों की बड़ी इज्जत करते हैं, तो इस्लाम के प्रसार के लिए ऐसे कुछ फकीरों को यहां भेजा गया कि आप पहले जाइए वहां लोगों में छोटे छोटे चमत्कार दिखा के इस्लाम का प्रचार कीजिए, लोगों में इस्लाम के प्रति आस्था जगाइए। और उन्हीं में से एक थे शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती और शेख मईनुद्दीन चिश्ती। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों नहीं समझ पाए, युद्ध से इस्लाम कभी भी स्थापित हिंदुस्तान में नहीं हो सकता था, जोर जबरदस्ती थे। सूफीज्म की वजह से आज जो है जितना भी इस्लाम है वो स्थापित हुआ, और वो सूफिज्म वाला पार्ट को ही हिंदू मानते हैं, बाकी जो कट्टर इस्लाम है उसको हिंदू मानते नहीं है। तो मोकल जी ने जब उस पीर से आशीर्वाद मांगा और पीर ने आशीर्वाद दिया भी, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके बाद जो किंवदंतियां फैलाई गई कि साहब उन पीर के आशीर्वाद से ही राव शेखा जी पैदा हुए, ये इस मत से मैं भी अपना अभिप्राय नहीं रखता हूं, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। वो कहते हैं साहब, कई इतिहासकार कहते हैं और लोग बोलते हैं कि साहब हमने तो सुना है हमारे बुजुर्गों से, हम तो नहीं मानते कि माधवाचार्य जी से हुआ, तो हम कैसे मान लें कि शेखा जी से का जन्म जो है बुरहानुद्दीन चिश्ती की आशीर्वाद से हुआ है। जून में वो मिले हैं, सेप्टेम्बर में ये पैदा हुए हैं महाराव शेखा जी। घर का जोगी जोगणा और बाहर का जोगी संत, तो जो हमारे वाकई संत हैं, जो ईश्वर में ईश्वर की आराधना करते हैं, जिनके पास शक्तियां हैं, उनको तो हम मानते नहीं हैं। 600 साल से किंवदंतियां ये भी मुस्लिम प्रचारक प्रसारकों ने ही फैलाई हुई हैं, और मुझे मुसलमानों से कोई बैर थोड़ी है। आज भी जो पन्नी पठान है वो महाराज शेखा जी की उतनी इज्जत करते हैं जितनी शेखावत, शायद शेखावतों से ज्यादा करते हैं। मैं मिला हूं उनसे, बहुत सारे शेखा जी के वंशज ऐसे हैं जिनके पास मिलने तक का टाइम नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैंने उनका इंटरव्यू लेना चाहा, बट वो पन्नी पठान कितने बिजी होने के बावजूद भी वो मिलने आए,
और उन्होंने मेरा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि साहब आप ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, हमारे शेखा जी पे आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो उनके भाव मुझे बहुत आदरणीय लगे, पर उनके भावों को आदरणीय महाराज शेखा जी ने बनाया, पगड़ी बदल की रस्म करके, कुरान पुराण की रस्म अदला बदली करके, उनको भाइयों जैसा प्यार दे के, उसकी वजह से उनके भाव आज ऐसे हैं। न कि ये था कि शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती साहब जो हैं उनकी करामात की वजह से थे। अगले एपिसोड से महाराज शेखा जी का जन्म हो जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक विलक्षण चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए, ये हमारा इतिहास है, ये घर घर तक पहुँचना चाहिए। मेरा इसके लिए आपसे हार्दिक अनुरोध है महादेव।